हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू अनदर फ्रेश साइकिल व्लॉग। तो गाइस, कुछ दिनों से मैं कर रहा हूँ साइकिल व्लॉग, तो आज फिर से एक राइड पे जाएंगे, वो भी हम नज़दीक ही जाएंगे। हम जाएंगे आज वलूर लेक के पास और वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस बनाई गई है। कुछ मंथ से वो बहुत ही ज़्यादा वायरल में है, तो मैंने सोचा आज वहीं पे ट्रैवल करते हैं और वो भी जाएंगे हम अपने साइकिल पे। इस गांव का कहते हैं शायद जीरमज, जो कि मैं अभी इसी गांव से चल रहा हूँ और आप इस गांव का भी व्यू साथ में चेक कीजिएगा। चले जी, अभी फ्रेंड्स अभी मैं पहुँच गया हूँ वलूर लेक के पास और मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और गाइस, साइकिल आप देख सकते हो, यह है मेरा साइकिल और इसी साइकिल पे मैं आया यहाँ पे। और घर से मुझे यहाँ तक लगा 30 मिनट्स और 4 किलोमीटर दूर है हमारा गांव यहाँ से। गाइस, मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी आगे जाएंगे, वहाँ आगे एक टूरिस्ट प्लेस बनाई गई है, वहाँ से वहीं पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और अभी साइकिल को निकालते हैं और वहीं पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले इस गांव का व्यू दिखाऊंगा यहाँ से ऊपर से ही, आप इंजॉय कीजिए। और सामने जो है वो है वलूर लेक और बांडीपुरा का एरिया, यहाँ से सारा नज़र आ रहा है, तो आप भी इंजॉय कीजिएगा। रोड देख सकते हो आप, और इसी रोड से मुझे जाना है वहाँ पे गाइस। और यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला पानी इस स्ट्रीम से आ रही है बांडीपुरा से गाइस। और ये गाँव आप चेक कीजिए, इसी को कहते हैं बांग्लादेश और उसको कहते हैं जीरीमज, वो जो वहाँ से। गाइस, निकला मैं इस गांव से साइकिल पे और ये आप यहाँ से विजुअल चेक कीजिए वलूर लेक के। गाइस, बहुत ही अमेजिंग विजुअल्स हैं। और ये वाला रोड ना बहुत ही कच्चा है और जो नीचे का रोड है वो पक्का है, लेकिन वहाँ से पानी है रोड पे, तो मैंने सोचा कि इसी रोड से आगे जाएंगे। अभी जी गाइस, मैं पूछा इस वाले लोकेशन पे गाइस और यहाँ पे कुछ टाइम मैं बैठूंगा। और यहाँ से जो विजुअल्स हैं ना गाइस वलूर लेक के, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और जो बांडीपुरा के जो ऊपर के पहाड़ है ना गाइस, उन पे बर्फ है और वहाँ से जो व्यू आ रहा है ना गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ, आप भी इंजॉय कीजिए स्नो का। आज समर उसमें स्नो जो पहाड़ों पर है ना, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं गाइस। तो चलिए आप भी देखिए। तो गाइस, अभी मैं यहाँ पे हूँ और आप यहाँ से देख सकते हो, पहले यह है वलूर लेक। गाइस, कितना ज़बरदस्त व्यू है। और यहाँ से ऊपर उन पहाड़ों पे आप देख सकते हो, मैं आपसे जूम करूँगा यहाँ से देखिए। गाइस, इन पहाड़ों पे आप देख सकते हो गाइस, यह है बांडीपुरा के जो पहाड़ हैं और इनके ऊपर आप देख सकते हो यह है स्नो गाइस। और ज़बरदस्त व्यू आ रहे हैं गाइस, यहाँ से आप चेक कीजिए, ज़बरदस्त गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस, क्योंकि मौसम जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है और साइकिल चलाने का अलग ही फील है इस वाले मौसम में, जो कि क्लाउडी क्लाउडी मौसम है। और अगर सामने ऐसी ब्यूटी हो वलूर लेक जैसी, तो फिर अलग ही मज़ा गाइस। सो फाइनली गाइस, मैं पहुंच गया हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। आप पहले मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हो, कैंपिंग साइट गाइस, और ये है वलूर लेक के उसी जगह पे जहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस खोली गई है। व्यू है बहुत ही जबरदस्त व्यू है, और जो टूरिस्ट प्लेस है वो अभी इनकम्प्लीट है, वो मेरे आगे है। आप यहाँ से चेक कीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ गाइस, यहाँ से आप देखो, ये लो जी गाइस, मेरे आगे आप वहाँ देख सकते हो, ये है सारा वलूर लेक। और वलूर लेक के बीच में वहाँ पे बना दी गई है एक टूरिस्ट प्लेस, जो कि वहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं गाइस, और ज़बरदस्त व्यू है गाइस, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ से आप पहले चेक कीजिए गाइस, यहाँ से बांडीपुरा एरिया आता है सारा गाइस, वहाँ से बांडीपुरा एरिया सारा आता है। मैं आया था वहाँ से गाइस, वटलब से बीच में आया था, फिर वहाँ पे है बांग्लादेश, फिर ये है जीरमज, जो घाट है वो उस साइड में। अभी जी गाइस नीचे चलेंगे और आपको मैं अब नीचे का व्यू भी दिखाएंगे, तो चलिए आप बने रहे मेरे साथ। अभी जी चलते हैं आगे यहीं से, और आप वहाँ से व्यू भी देख सकते हो। चलिए अब नीचे जाएंगे। अगर आप क्यों यहाँ पे शिकारा राइड करने, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो शिकाराज हैं, तो यहाँ पे दो चार शिकारा हैं, तो आप यहाँ से आराम से शिकारा राइड कर सकते हो यहाँ इस वलूर लेक में, जो कि लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट लेक है गाइस, आप इनमें कर सकते हो वो भी अच्छे दामों में गाइस। अभी आगे चलते हैं यहीं से, और यहाँ से गाइस रोड था, यहाँ से आप चेक कीजिए रोड था, और इस रोड में सारी और यहाँ से पानी है गाइस, यहाँ से भी है, तो अभी आगे चलते हैं। तो जी गाइस, अभी चलते हैं इस वाले यहाँ पे जो व्यू पॉइंट है, इसी पे चलते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो पानी, और जाना है आराम से इस वाले जो आयरन रॉड है यहाँ पे, इसी पे चलते हैं, इसी पे चल के ऊपर। तो
यहाँ से आप देख सकते हो क्योंकि पानी है और जुगाड़ कर दिया यहाँ पे इसका। सजन जब पास ना आए ओ दिल पे लात लगाए, ओ मेरे तू दुश्मन हो ना दुश्मन क्यों हो ओ बलमा क्यों। गैस गाड़ी आप देख रहे हो यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं गैस, इस वाली नई उत्कृष्ट प्लेस पे जो कि वालोर में बनाई गई है, चेक कीजिए गैस बहुत ही ज्यादा अभी भी आ रही हैं गाड़ी क्योंकि आ चुका हूँ मैं वहाँ से अब वापस और अभी मैं जाऊँगा चौनसा से घर। तो मैं आया वाटलाबा से, अब मैं चौनसा से जाऊँगा, ये रोड सीधे चौनसा में जाता है और फिर आगे बांडेपुरा रोड से मिलता है तो वहीं से जाएंगे फिर घर। तो देख ले आपने जो न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे खुली है वालोर लेक में, अच्छी जगह है यहाँ पे, लेकिन अभी वो अच्छे से मेंटेन नहीं हुआ है तो इंशाल्लाह आगे अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। तो जी अब निकलते हैं, चलिए गाइस। साइकिल बहुत ही तेज जा रहा है नीचे की ओर और यहाँ से भी चेक कीजिए नीचे व्यू क्या आ रहा है गाइस, क्या व्यू आ रहा है, जबरदस्त फील आ रहा है। मजेदार मजेदार गाइस मजेदार। ओ साइकिल की ब्रेक बहुत ही कमजोर है गाइस। जहाँ रात कटे वहीं एक साथ पले हाला। अभी मैं हूँ रोड पे और मैं बस पूछने ही वाला हूँ अब घर, मेरे को लगेंगे खाली 10 मिनट और मेरे नीचे जो है गांव है ये मतलब का। और अभी क्या करते हैं इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा और जिसको भी पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब सीधे घर जाते हैं, लेट्स गो, बाय बाय। चलिए गाइस अब सीधे घर जाते हैं। तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज। मजेदार खतरनाक।